नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सहारनपुर में प्रधान संगठन के द्वारा जल निगम ग्रामीण के कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को अपने साथ जमीन पर ही बिठा लिया। जल निगम द्वारा गाँव में टंकी बनवाने के कार्य चल रहे हैं। इस दौरान ठेकेदार के द्वारा सड़क खोदकर लाइन बिछाई जा रही है और बाद में उन्हें ठीक नहीं किया जाता, जिस कारण गांव में किए गए विकास कार्य खराब हो जाते हैं। प्रधानों का कहना है कि ठेकेदार मानकों के अनुसार सड़क को नहीं खोदते, वह 2 फुट की बजाय 4 फीट तक सड़क को उखाड़ देते हैं, जिसके चलते गांव की गलियों में पानी तक भर जाता है और गाँव में गंदगी भी बढ़ रही है। उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता से ठेकेदार को ठीक कार्य करने की शिकायत की, जिस पर जल निगम के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रधानों की जो भी समस्या है उसका समाधान 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा और आगे प्रधानों को कोई समस्या नहीं आएगी। न्यूज नाइन भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। अच्छा, महीने से सवाल किससे करें? सवाल किससे करें जब आप लोग सुनते नहीं है? कागज कार्रवाई पूरी हो जाए। इससे भी अगली बात यह है कि टोंटी लगाने का अधिकार जो मालिक है घर का, उसकी दीवार के अंदर है। अरे बाहर लगा रहे हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।